पंजाब में ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन पंजाब के किसी न किसी विभाग की ओर से पंजाब के खिलाफ रोष प्रदर्शन न किया हो। पंजाब में हर रोज कोई न कोई विभाग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इसी धरने को लेकर चल रही कड़ी में आज मोगा आईटीआई के मुलाजिम भी शामिल हो गए हैं, जहां आज मोगा आईटीआई के गेट के बाहर मोगा आईटीआई मुलाजिमों ने धरना प्रदर्शन किया और गेट रैली के मुलाजिमों की मांग की। उनको पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। मुलाजिमों ने कहा कि इस बार बढ़ रही महंगाई के दौरान बिना तनख्वाह मिले कैसे गुजारा चल सकता है। मुलाजिमों ने मांग की है कि उनके संस्थान में पिछले लंबे समय से डीडीओ की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उसे जल्दी भरा जाए ताकि उनकी तनख्वाह रसील हो सके और कोई सरकार कोई और प्रबंध करे। मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी, मैं अज फार्मासिस्ट आई टी मोगे नौकरी करना। तो असी अज सारे स्टाफ ने साड़िया जीडिया पिछलिया 3 महीने दनखाह जारी नहीं हुई वो संबंध में धरना लाया वा, क्योंकि असी इस संबंध में पूरी यूनियन लैवल से साडे एम एल ए साहब भी मिले हैं और उन्होंने बेनती भी की साड़िया तनखाह बारे, पर अजे तक यदा कोई प्रॉपर हल नहीं होया, कोई साडा डीडीओ नहीं दिता गया। ये संबंध च हुण फिर असी मजबूर होकर अज धरने के रूप में इतने बैठे हाँ, क्योंकि सारे तुहानू पता मुलाजम का जिन्ना काम है वह सारा लोन पर चलता जी, सारे दियां किश्तां खड़ियां, असी बिना मतलब तो मतलब डिफाल्टर हो रहे हैं जी। अपने आप को ठगिया महसूस करी जाने जी, साड़िया सिबलों खराब होंदियां क्योंकि साडे बच्चों के असी लोन लेने हैं तो उन्होंने सानू फ्यूचर भी ये चीज़ की प्रॉब्लम आनी है। सो असी फिर एक बार ये गुजारिश करते हैं भी साड़ी ये बेनती कबूल करते हुए भाई साढ़े 3 महीने तनखा जारी कराई जा जुलाई महीने तो लगातार 3 महीने हो गए आई टी आई के मुलाजमान तनखा नहीं मिली। डीडीओ का बदल जाने कारण सरकार ने नवा डीडीओ लाया नहीं कोई। अभी तकनीकी सिक्ख्या मंत्री ते डायरेक्टर साहब ते सैकटरी साहब नूं लिख के बेनती कर चुके हैं भी 3 महीने हो गए सानूं तनखाह नहीं मिली ते डीडीओ लाया जाए, जां डीडीओ बाहरों नहीं लाउणा, साडा कोई सीनियर जी आई उहनूं डीडीओ बनाया जाए ते मुलाजमां दीआं तनखाहां 3 महीने तो रुकियां लागू हो सकन। ते तुहानूं पता ही आ महंगाई दे जमाने विच हरेक बंदे ने किन्ने किन्ने बिल देने हुंदे आ, बैंकां दे लोन चुकाउणे हुंदे आ, बैंक वालों तो बार बार फोन आ रहे हैं भी तुम जितों मर्जी पैसों का प्रबंध करके किश्त जमा कराओ नहीं तो सिबल खराब हो जूगी। तुहानू पता भी बच्चों ने गाह पढ़ने वास्ते खैर डिग्री लैन वास्ते लोन लेने पैंदे आ, जो सिबल खराब होगी अभी लोन वालों भी रह जाएंगे। अभी सरकार निम्रता सहित बेनती करते हैं भी साढ़े डीडीओ लाया जाए, जे मंगलवार तक डीडीओ ना लाया असी लगातार धरना देके बच्चों नाल लेके संस्था बंद करांगे।